केवल एलएसी तक पहुंचना नहीं बल्कि एलएसी पर जो तैनाती होती है वहां क्या व्यवस्था होती है हम आपको बताते हैं। चीन इतना परेशान क्यों हो रहा है? अभी तक सामान्य पोस्ट्स में हमारे सैनिक इन जगहों पर रहा करते थे, भीषण ठंड में बहुत सारी चीजें होती थी जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना होता था, लेकिन मॉडल पोस्ट्स बनाने की शुरुआत यही अरुणाचल प्रदेश के तवांग से हुई है। मैं ऐसी ही एक मॉडल पोस्ट पर पहुंची, आप भी देखिए वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं और सैनिक क्या बता रहे हैं मुझे। सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने निर्माण में तेजी क्या दिखाई, चीन को मिर्ची लग गई। घटना अरुणाचल के तवांग की, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 17,000 फीट पर स्थित यांगसे पोस्ट को लेकर यह झड़प शुरू हुई। करीब 250 से 300 चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर बनी एक पोस्ट को हटाने की मंशा से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसका माकूल जवाब हिंदुस्तान की सेना ने दिया। ये जो वेदर है, ये जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो कठिनाई है, यहाँ पर कैसे आप सबको मोटिवेटेड रखते हैं अपने ट्रूप्स? एक दूसरे का साथ और विश्वास, जुनून और जज्बा, अपने नाम पर गुमान और अपने रेजिमेंट की शान, तो मैं समझता हूँ कि यही सब है जो एक सिपाही को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी उनको उनका सामना करने का हौसला उसको देता है। इस प्रकार की कठिन जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फ़ से हमारी पोस्ट जो है कट ऑफ हो जाती हैं और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है, घर परिवार से बहुत दूर मगर दुश्मन के बिल्कुल पास, ये सब जो है एक इंडियन आर्मी के जवान का एक आम रूटीन है। बट एक इंडियन आर्मी का जो जवान है उसका जो जोश और उसकी जो काबिलियत है वो इन सभी चुनौतियों को बड़ा ही छोटा कर देती है और ऐसी ऊंचाइयों पे वो अपना टास्क आराम से पूरा कर पाता है। कैसे, क्या है इसके पीछे? आज जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसी तेजी से इंडियन आर्मी भी हमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इतनी फॉरवर्ड पोस्ट पे भी आज हमारे पास बेहतरीन हथियार, इक्विपमेंट, क्लोदिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन, एकोमोडेशन और सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है हमारे को यहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पर तभी मैं यही समझता हूँ कि इन सबसे भी बड़ी जो हमारी ताकत है वो है हमारा देशवासियों पर का अपनी इंडियन आर्मी पे अटूट भरोसा, अटूट विश्वास। दरअसल 2020 से ही चीन अपने सरहदी इलाकों में तेजी से निर्माण कर रहा है, उधर भारत भी उतनी ही तेजी से इन इलाकों में अपनी मॉडल पोस्ट का निर्माण कर रहा है। हम तवांग के इलाके में एक ऐसी ही मॉडल पोस्ट पर गए जिन्हें भारत में बनता देखकर चीन को परेशानी होती है। इतनी ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं वहां पर कुछ भी तो नहीं रहता है, लेकिन जो हमारी फौज के इंजीनियर्स हैं वो इन सारी चीजों को संभव करते हैं, मुमकिन करते हैं कि ये सारी चीजें बने। मैम पहले ये जो जगह थी ये इंडियन आर्मी की एक पोस्ट थी, ये फुट ट्रैक से कनेक्टेड थी और यहाँ आने जाने के लिए लगभग हमारे जवानों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था। जवानों को फॉरवर्ड एरिया में एक बेटर लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर देने के पर्पज से इस मॉडल पोस्ट की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के बाद इंजीनियर्स ने पहले यहाँ तक ऑफ ट्रैक बनाया, ऑफ ट्रैक बनाने के बाद प्लांट ने यहाँ पर 1 से 1.5 महीने काम करते हुए 15,000 फीट पे 1 महीने के अंदर ये पूरा जो एरिया है इसको प्लेन किया। प्लेन करने का मकसद था कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है एक ही प्रीमाइसिस में साइट किया जा सके। उसके बाद जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं जो डबल स्टोरी लिविंग शेल्टर है इतनी ऊंचाई में और इतने फॉरवर्ड एरिया में इंडियन आर्मी द्वारा पहली बार बनाया गया है और उसके पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली गई है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेड इन इंडिया के अंतर्गत हाइब्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया है जिससे कि यहाँ पर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रह सके। ये इंडियन आर्मी का सबसे पहला मॉडल पोस्ट है। दरअसल मॉडल पोस्ट ऐसे इलाकों में बनाई जाती है जहां पर मौसम के हिसाब से बेहद विषम परिस्थितियां होती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई इन मॉडल पोस्ट में ऊर्जा के दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत होते हैं, सुरक्षा साफ सफाई के बेहतर साधन होते हैं। इन ऊंचाइयों पर सिर्फ दुश्मन का खतरा नहीं बल्कि मौसम भी बड़ी चुनौती होता है और ऐसी ही मुश्किल परिस्थितियों के लिए ये मॉडल पोस्ट होती है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में सैनिकों के लिए तैयार की गई ऐसी ही मॉडल पोस्ट को देखकर अब चीन परेशान हो रहा है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ
आज तक ब्यूरो।